बॉलीवुड के ऐसे शख्स जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। जिस तरह बॉलीवुड में शाहरुख खान को किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है, ठीक उसी तरह ये भी इनके फैंस के बीच प्रिंस ऑफ रोमांस के नाम से मशहूर हैं। इनके गाए हुए गाने युवाओं में इतने पॉपुलर है कि उन्हें सुन सुनकर लोगों का प्यार परवान चढ़ता है, मोहब्बत जवा होती है और लोग प्यार करना सीखते हैं। रोमांटिक गाने गाते समय वे ऐसे रोमांटिक जोन में चले जाते हैं कि उनके फैंस उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द वन एंड ओनली अरमान मलिक के बारे में, जिन्होंने बहुत ही कम समय में काफी शोहरत हासिल कर दी है, लेकिन ये शोहरत इन्होंने खुद के टैलेंट और दम पर हासिल की है। सरदार मलिक, अनु मलिक और डब्बू मलिक जैसी हस्तियों वाले परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद आखिर क्यों इन्होंने कभी भी अपने परिवार के नाम का सहारा नहीं लिया और अपना सरनेम हमेशा छुपाते थे। आइए जानते हैं अरमान मलिक की पूरी जीवन कहानी को करीब से। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अरमान मलिक की लाइफ से जुड़ी हुई कई ऐसी बातें जिन्हें शायद ही कोई जानता हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 22 जुलाई 1995 को, जब सपनों के शहर मुंबई में मशहूर संगीतकार डब्बू मलिक के घर नन्हे अरमान का जन्म हुआ। इनके चाचा अनु मलिक को कौन नहीं जानता, जो बड़े बड़े सिंगिंग रियलिटी शोज में कंटेस्टेंट को जज करते नजर आते हैं और जिनकी गायकी का भी कोई जवाब नहीं। इनके दादाजी सरदार मलिक भी अपने समय के मशहूर संगीतकार रहे। इसके अलावा इनके बड़े भाई अमाल मलिक भी एक म्यूजिक कंपोजर हैं। दोस्तों, तीन पीढ़ियों से जिनका परिवार बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक गानों से लोगों का मनोरंजन करते आ रहा हो, ऐसे परिवार में पले बड़े अरमान भी अपने आप को संगीत सीखने से कैसे रोक सकते थे। और यही वजह रही कि अरमान ने महज 4 साल की उम्र में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया। और जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, उस उम्र में अरमान अपना उज्जवल भविष्य बनाने की ओर अग्रसर हो रहे थे। उन्हें कभी भी दोस्तों के साथ घूमने फिरने या पार्टी करने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि वे हमेशा रिहर्सल और रिकॉर्डिंग में बिजी रहते थे और उसी परिश्रम का फल आज उन्हें मिल रहा है। जान लो जाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना। महान हस्तियों के परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद अरमान ने कभी भी अपने परिवार के नाम का सहारा नहीं लिया, क्योंकि उनकी मां ज्योति मलिक और अरमान चाहते थे कि वे अपने दम पर अपनी पहचान बनाएं। इसलिए जब वे सारेगामापा लिटिल चैंप्स में आए, तब उन्होंने सिर्फ अपना नाम बताया, अपना सरनेम नहीं। बात करें अगर इनकी शिक्षा की, तो इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई जमनाबाई नर्सी स्कूल से की और 10वीं बोर्ड एग्जाम के बाद वे पहुंच गए बोस्टन सिटी यूएस, जहां उन्होंने बर्कली इंस्टीट्यूट से वेस्टर्न म्यूजिक सीखा, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग तो उन्होंने अपने दादाजी से घर पर ही ले ली थी। रुक करें अगर इनके करियर की तरफ, तो सारेगामापा लिटिल चैंप्स के बाद अरमान की आवाज को एक पहचान मिल गई थी और उन्हें फिल्मों में छोटे मोटे सिंगिंग चांस मिलने लगे। फिल्म तारे जमीन पर मूवी में बम बम बोले और चैन खुली की मेन खुली मूवी में फिर से आ गया संडे सॉन्ग उन्हें चाइल्ड सिंगर के तौर पर गाने का मौका मिला। लेकिन अरमान का फर्स्ट बॉलीवुड डेब्यू सॉन्ग भूतनाथ का हे बड़ी है, जो उन्होंने अमिताभ बच्चन जी के साथ मिलकर गाया। अब अरमान के टैलेंट को कई रास्ते मिल चुके थे। उन्होंने फिल्म स्लमडॉग मिलेनियर में सलीम के कैरेक्टर के लिए और माय नेम इज खान मूवी में इंग्लिश बॉय के लिए अपनी आवाज भी दी। अरमान ने अपने आप को केवल सिंगिंग तक ही सीमित नहीं रखा और वे नजर आए साल 2011 में कच्चा लींबू मूवी में,
जिसमें उन्होंने सिंगिंग के साथ साथ अपने एक्टिंग का हुनर भी दिखाया। अब समझ गया ना? Don't hang out with us. Sorry. छोड़ना इसको। द स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर में अरमान ने जफर अली के किरदार को खूब निभाया। लूट तो बाप है। कोई बात नहीं जफर, कभी ना कभी तुम्हारी भी बारी आएगी। अरमान ने आज तक हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मराठी, बंगाली, उर्दू और गुजराती भाषाओं में कई सॉन्ग्स गाए हैं, लेकिन साल 2014 में आई फिल्म खूबसूरत में नैना सॉन्ग काफी हिट हुआ और उन्हें काफी अच्छी पॉपुलैरिटी मिल गई, जिसके बाद अरमान ने अपनी लाइफ में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अरमान ने आज बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक कई रोमांटिक सॉन्ग्स गाए हैं, जिनमें से एक एक का जिक्र कर पाना मुमकिन ही नहीं है। अरमान ने बहुत ही कम समय में काफी सारे अवार्ड अपने नाम कर लिए हैं, जिसमें आरडी बर्मन और दादा साहेब फाल्के जैसे बड़े अवार्ड भी उनकी विनिंग लिस्ट में शामिल है। इन सब के बावजूद अरमान बहुत ही डाउन टू अर्थ है और उन्हें अपनी सक्सेस का बिल्कुल भी घमंड नहीं है। उनके फैंस खुद को अरमानियंस कहते हैं और वे अपने फैंस के प्यार को ही अपना सबसे बड़ा अवार्ड मानते हैं। दोस्तों, अपने लक्ष्य को हमेशा ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।